वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है सभी का दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल पर। सो गाइस, आज हूँ मैं पंजाला में जो बैजनास कंस्टिट्यूंसी के अंडर आता है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये जगह, नियर बाई वेरी क्लोज टू बीड बिलिंग। अप्रॉक्सीमेटली बीड से है ये जगह 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह। तो आज मैं आपको वहाँ पर लेके जा रहा हूँ एक बहुत ही खास जगह पर, क्योंकि प्रोबेबली वहाँ पर हिमाचली जो कल्चर के ट्रेडिशनल अपेरल्स हैं, इन द सेंस कि वहाँ पर जो हिमाचली स्टाइल में कोट हो गए या कुछ भेड़ या बकरियों की ऊन से बनाए जाते हैं वो चीज़ें, जो भी पेरल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बनते हैं और कहाँ पे सबसे ज़्यादा। वहाँ पे एक फेमस शॉप है विजय भाई की, तो वो आपको मैं दिखाऊंगा आज। तो बने रहे मेरे साथ और प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली ये चीज़। और ये जो शॉप इतनी फेमस है कि यहाँ पे सारे जो मिनिस्टर्स हैं थ्रू आउट द हिमाचल वो भी यहाँ से अपने पेरल्स लेके जाते हैं, जो भी कोट्स हो गए, ट्रेंच कोट हो गया या फिर लॉन्ग कोट हो गए या फिर जो भी बुलन कोट है यहाँ पे। तो चलें फिर, अभी हूँ मैं फ़िलहाल पंजाला में, बैजनाथ से लगभग ये 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है और बीड़ से भी 7 किलोमीटर की दूरी पे है यह जगह। तो ये है कुछ लोकेशन, बहुत ही खूबसूरत वादियों में है यह जगह, संसाल मरेड़ के नियर बाई है पंजाला। तो आगे जितनी भी डिटेल्स है मैं आपको आगे दूंगा। तो भाई करंटली मैं पहुंच गया हूँ पंजाला में और यही वो शॉप है बीके फैशन करके। तो आप देख सकते हो मेरे साथ, अभी आपको अंदर लेके जाऊंगा मैं और दिखाते हैं, विजय भाई से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, उन्हीं का घर है और यहाँ पे ही वो 24/7 यहाँ पे अवेलेबल होते हैं मोस्टली, क्योंकि नीचे ही उनकी शॉप है। तो यहाँ पर है ये पंजाला बस स्टॉप है यहाँ पर। बैजनाथ महज यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर। सो भाई ये रही शॉप विजय भाई की और ये हैं। सो वही हैं ट्रेडिशनल अपेरल्स। तो आप देख सकते हो है ये बने हुए हैं आपके भेड़ और बकरियों की ऊन से। तो आगे पूरी डिटेल्स लेंगे, इनके साथ में इंट्रोडक्शन भी करवाता हूँ आपकी। ये है जितना भी मटेरियल्स, ट्राउजर्स भी अवेलेबल हैं, ट्रेंच कोट्स हैं, वेस्ट कोट हैं और प्रोबेबली सारी चीज़ें हैं इनके पास जितनी भी यहाँ पे ट्रेडिशनल। ये देखो ये चीज़ें होगी, ब्लैक वूलन होगी या फिर और भी कलर्स में अवेलेबल हैं। तो पूछते हैं किस तरह का है सिनेरियो उनका। ये और रही एक कोट और ये रही बहुत खूबसूरत सी शॉप इनकी। और ये साथ में यूज कर रहे हैं ये आपका मॉडर्न मशीन्स जो भी यूज़ हो रही हैं, तो बहुत जल्दी काम करते हैं ये भाई, किसी काम पे काम कर रहे हैं, शायद थोड़ी देर में आ रहे हैं वो। तो फिर करवाते हैं आपकी इंट्रोडक्शन उनके साथ। सो अंदर भी है भाई इनके पास अवेलेबल, ये रहे कोट और पता नहीं इसे ये होता है एक्चुअली प्योर।
यही बताएंगे वो तो हमें। शोल्स भी हैं इनके पास। आपका फाइनली पहुंच गए अंदर शॉप में, इनके आउटलेट बोल सकते छोटा सा, और साथ में काम करते हैं यहाँ पे, आपके सामने यहाँ पे बनाए जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपसे ऑलरेडी परचेज्ड हो गई या लुधियाना से लेके आ गए या कहीं और से लेके आ गए मटेरियल, ये तो ऑर्डर हिमाचल पूरी बुलन जो भी इनके कलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे लेके आते हैं, खुद सामने बनाते हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो कि आप यहाँ पे जैसे अपना ये मटेरियल हो गया, जैसे कि इसे कपड़ा बोलते हैं ना, ये जैसे लॉन्ग, ये लेके आ सकते हो और इनसे डायरेक्ट बनवा सकते हो अपने मनपसंदीदा, चाहे वो लॉन्ग कोट बनाओ, वेस्ट कोट बनाओ या ट्रेडिशनल जो भी है, इस तरह का है कुछ सिनेरियो भाई। सामने है विजय भाई, सो इनके साथ में इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आपकी, तो आप देख सकते हो कि ये हैं हमारे विजय भाई। हेलो विजय भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया सर। बढ़िया, तो बताएंगे अपने बारे में कि क्या काम करते हो आप यहाँ पे और कितना साल हो गया? मुझे हो गए इस टाइम को 25-30 साल काम करते हो। 25-30 साल हो गए आपको काम करते हैं। अच्छा, और मेरा ज्यादा जो है ये जो बुलन होता है प्योर। अच्छा, इसे क्या बोलते हो आप लोकल लैंग्वेज में? लांग और पट्टी। लांग या पट्टी, और ये बनी कैसे है? ये इससे भेड़ की ऊन से बनी होती है। ठीक है। अच्छा, ये भेड़ और? हाँ जी, भेड़ की मतलब ऊन से बनी हुई है, और बकरी की ऊन में नहीं यूज होती। ठीक है। तो विजय भाई आपको हो गए 25 साल बनाते हुए, तो अभी तक कितने कॉट वगैरह बना लिए हैं आपने? हजारों के हिसाब से। तो आप थोड़े मेरे को इंट्रोड्यूस करवाओगे और भी इंट्रोडक्शन करवाओगे क्या क्या आप कोट बनाते हो, जैसे कि क्या क्या ट्रेडिशनल, जैसे कि लेडीज हुए, लॉन्ग कोट हुए, शॉर्ट, जेंट्स लॉन्ग हुए, शॉर्ट हुए। अच्छा, बास्केट जिसको सजरी बोलते हैं। सजरी? सजरी क्या हुआ चीज? पारी भाषा में सजरी बोलते हैं उसको, बास्केट को, कमरी जैसे बोलते हैं। अच्छा, कमरी। ठीक है, मतलब बेस्ट कोट है। हां जी, ठीक है। और इतना हो गया, तो आप ये पूरा मटेरियल कहाँ से मतलब लाते हो? आपकी जैसे किन्नौर वगैरह से आता है? और किन्नौर और चंबा? हाँ जी, चंबा से कम आता है, किन्नौर से ज्यादा। अच्छा, किन्नौर से ज्यादा आता है आपका। तो ये कलरफुल कैसे है, मतलब ये कलर डिफरेंट डिफरेंट? ये थोड़ा सा मामूली मामूली कलर जो है, जैसे उन जो सफेद ब्लैक मिक्स की हुई थी। ठीक है। प्योर क्वालिटी कौन सी होती है, जैसे कि ये प्योर क्वालिटी मतलब जिसमें कलर एड ऑन ना हुआ हो? ये प्योर है जो, ये प्योर है ना, ये प्योर है। कौन सा वाला? ये लोकल बुनी होती है ना, ये वाली लोकल है ना। और ये ब्लैक वाली जिसे क्या बोलते हैं आप, कुछ और नाम भी बोलते हैं देसी भाषा में इसको? लांग ही बोलते हैं। लांग नहीं, कुछ एक जो काले भिडू वगैरह की, भेड़ की जैसे होती नहीं, उन कुछ और ही बोलते हैं उसे, ये बोलते जाता है। मैंने सुना था कहीं से ना, कोई याद नहीं आ रहा। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने मॉडर्न मशीन्स वगैरह रखी हुई हैं, तो उसकी हेल्प से भी काफी जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं इनका मटेरियल, तो अभी दिखाएंगे हम आपको। विजय भाई कितना टाइम लग जाता है आपको यहाँ पे कोट बनाने के लिए? हाँ, कोई 5 घंटे लग जाते हैं। 5 घंटे? हाँ, जो बुलन का प्योर बुलन का कोट है ना। ठीक है। हाँ जी, प्योर बुलन के लिए। और ये कैसा है मतलब, ये तो कोई दूसरा कपड़ा है? अच्छा, कपड़े भी तैयार होते हैं। अच्छा, दूसरे कोट भी बना देते हो आप और ये भी? ये अच्छा, ये बन के तैयार है जैसे कि। अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया ट्रेडिशनल्स के साथ इन्होंने वेस्टर्न कल्चर के जो हमारे फॉर्मल अटायर वाले कोट्स वगैरह होते हैं या फिर आपका पार्टी वेयर, वो भी प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे। ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये अच्छी लग रही है मुझे, ये बेस्ट कोट। और ये भी किन्नौर से आया हुआ कपड़ा ना, ये वाला ना, ये लोकल है? ये लोकल है, ये लोकल है। ये बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला लोकल। ये हैवी भी है ना, और कितना हैवी है, और आजकल थोड़ा मिल नहीं रहा ना ये जितना की जैसा कि आपको। और इसका क्या प्राइस रहेगा? ये कोई 8,000 का, 8,000 का। और मोस्टली आपकी सिलाई के क्या चार्जेस है मतलब? 3,500। 3,500 है ना।
ठीक है, एक कोट के लिए मतलब लॉन्ग कोट बनाओ या फिर ऐसे लॉन्ग कुछ। कोट का ज्यादा हो लॉन्ग कोट का कितना है? लॉन्ग कोट का कम से कम कोई 9,000 9,000 रुपया। वो आपका ही कपड़ा रहेगा और आपका ही सब कुछ रहेगा ना? अगर बंदा अपना कपड़ा लेके आ रहा है जैसे कि अपना ही मतलब ऊन, मेरा स्टिचिंग चार्ज होगा जो लॉन्ग का 4,000, ठीक है, शॉर्ट का 3,500। ठीक है, तब तो बढ़िया है। और इनकी ऊपर फैमिली वगैरह रह रही है। और तो आपके साथ मैं देख रहा था कि जैसे कि शॉल्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। अभी बंद की हुई थी ना। अच्छा, आएगा भी सामान और आएगा अभी थोड़े दिनों। बंद कर दिए क्योंकि इस काम से ये क्या चीज है ये भी? ये लेडीज कोट, ये लेडीज कोट के लिए ना। ये वेस्ट कोट, ये और सबसे ऑथेंटिक जो चीज होता है जैसे कि नॉर्मली तो वो ये हो गया, जैसे कि ये ब्लैक। तो ये हैं भाई इनके फुल ऑन ट्रेडिशनल वेयर। तो अभी तक सुनने में ऐसा है इनके साथ दूर दूर से मिनिस्टर्स वगैरह भी लेके जाते हैं और जितने भी पॉपुलर यहाँ पे निर्भाई। ये भाई है कुछ सुएरा भाई, इनका वेस्ट कॉट फुली बुलन, ब्लैक बुलन। सो भाई जिस हम थोड़ी लांग की बात कर रहे थे, ऊन की बात कर रहे थे, तो उसको बोलते हैं कोड़ी लांग। तो जो हिमाचलीज हैं वो तो नॉन होंगे इस जगह से, और इस कपड़े से, कपड़े जैसे ऊन है उससे नॉन होंगे कोड़ी लांग, मतलब प्योर वो काले भेड़े की, मतलब भेड़ की होती है वो प्योर ऊन, काली ऊन जिसमें कोई कलर एड ऑन नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो फुल ऑन ऑथेंटिक होती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब डिमांड में रहती है, बहुत रेयर मिलती है। और वो तो वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी भाई, वो भी मिल सकता है आपको। और जितनी भी डिटेल्स मैं इनके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि इनका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, इनकी जो एड्रेस वगैरह और टाइमिंग क्या रहेगी, कितने टाइम में और जो क्या चार्जेस करते हैं नॉर्मल, वो भी सारी आपके साथ मैं डिटेल शेयर करने वाला हूँ आपकी डिस्क्रिप्शन में। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 3,000 बताया ना आपने नॉर्मल कोट के लिए, तो स्टिचिंग चार्जेस हो गए और हाँ जी, क्या क्या चार्जेस बताए आपने? जिसको बोलते हैं बास्केट कमरे, ठीक है, इसका जो है चार्जिंग 3,500 3,500 हो गया, ठीक है। और स्टिचिंग चार्ज होगा इसका 1,500 स्टिचिंग चार्ज 1,500 मतलब फुल ऑन, मतलब आपका हो गया कितना राउंड में, मतलब जैसे कि बंदे को किसी को एक आपका वेस्ट कोट भी बनाना है और नॉर्मल लॉन्ग कोट भी बनाना है, लॉन्ग कोट इन द सेंस की मिडिल कोट जैसे नॉर्मल कोट्स हैं यहाँ पे आपके पास, ये बनाने हो तो क्या चार्जेस रहेंगे फुल ऑन और आपका ही कपड़ा रहे तो? तो 7,000 कोट का होगा जी, ठीक है, और 3,500 इसका होगा जी, ठीक है, हाँ जी 3,500 मतलब 10,000-11,000 में आपका पूरा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग कोट के चार्जेस आपके 8,000 बताए ना आपने, ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बजटेड रेट है, इतना नहीं है कि आपको, जैसा कि पता है आप किसी भी आउटलेट में जाते हो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, जैसे कि नॉर्मली आप, मैं अगर मैं बात ही करूँ यहाँ पे ब्रांड्स की, तो जैसे कि जो मेनली डील करता है आपका जो जारा हो गया, H&M वगैरह जो भी, मतलब ठीक है यहाँ पे ब्रांड्स जो हमारे लोकेलिटी में अवेलेबल भी हैं इस जगह पे, तो वहाँ पे भी लगभग इनकी कॉस्ट 50,000 के अबव होती है मिनिमम, 40-20 मतलब एवरेज, आप घटिया से घटिया भी देखें तो जो यहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी मिलने वाली है वो सिर्फ इस जगह पे मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे फुल ऑन ये है, कोई मिक्सअप नहीं है कि जैसे बोलते हैं कि लुधियाना बेस्ड है या कोई और से लेके आ गए या कोई प्रॉपर जो मिक्सिंग होती है नॉर्मली बाहर की मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये चीज़ जो है ना, तो ये आपको यहाँ पे मिली जाएगी क्योंकि आप अपना कपड़ा ला के खुद भी बनवा सकते हो। तो ये है भाई स्टोरी। एक अच्छा लग रहा है यहाँ पे मेरे को कोट, ये ब्लैक वाला, जैसे कि ये हो गया, पूछते हैं इनको। बड़के एक कौन दिया है? ये लांग दिया। ये लांग तो है लेकिन इधर क्या बोलते हैं भैया, प्रॉपर कपड़ा सजरी बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में, सजरी। ये थोड़ा सा ब्रॉड सा है नीचे से, फुल ऑन
बोलते हैं ना कि स्लिम फिट नहीं है, ब्रॉड है, जैसे कि किसी का टम ही हो उसके लिए भी वेल बहुत बढ़िया है ये। भाई कमेंट करके मुझे जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। और सेकंड थिंग, प्लीज यहाँ पे मस्ट विजिट, अगर आप बीट व्हीलिंग वाली तरफ आ रहे हो तो यहाँ पे देख के जाएं और अपनी मन पसंदीदा चीजें बनवाएं यहाँ पे, जो भी ट्रेंच कोट हो गया फिर या फिर और भी चीजें दो तीन। सो ये जगह है पंजाला। थैंक यू विजय भाई, वेलकम सर।